Then a का 20 you from India. मेरा नाम था उसमें। ये तो बहुत सी बात है रियल वर्ल्ड कॉपी में सब बैक बेंचर्स और मैं जो, जो जोक्स मार रहा हूँ वो लोग लो समझ नहीं पा रहे मेरे को लगा हूँ क्या कर रहा हूँ

Welcome to Take a Pause me, Varun Girala. So, as always, our conversation has to start We're talking about traffic. That's true. What is the connection between you and Malad traffic? Yeah, I don't know, man. I, 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 I'm I just frustrated because of the case I live in Kandivali. So, I have to pass through Malad. And I don't know why, but I think everyone lives in Malad. आई थिंक सम फैमिली आई थिंक यू आल्सो फैमिल माई डी लिविंग इन मलाड इट इज़ जस्ट यू नो वैन जब ट्रेन खाली भी होता है ना जब गोरेगांव से आता है तो मल्हाड़ में पब्लिक उतर जाता है कान्दली से पूरे हैंडल्स हंसते खेलते जाते हो जो लटकल हैंडल्स होते हैं ना वो भी इट इज़ वेरी वियर्ड वाई आई गोट लाइक टू डे ऑल्सो एज आई टू आई वॉज लेट बिकॉज आई आई लेफ्ट ट्वेल्व फोर्टीन टू रीच यूर एट वन पी एम आई छोट फोर्टी फाइव मिनट्स आई लाइक ओके चल रीच इन टाइम ओनली फॉर फोर्टी फाइव मिनट्स आई वॉज इन मलहाड ओनली कैन यू इमेजिन इट इज़ जस्ट वीयर आई डों मेरे साथ ही होता है हमेशा एंड जब तभी उन्हें ऐसा कोई किसी का गाड़ी बंद हो जाएगा कोई रैंडमली पार्क करके चला जाएगा और फिर सिग्नल्स भी नहीं है मलाड में लाइक like, कोई कुछ, कुछ भी नहीं है आई डोंट नो वाई पीपल आर सर्वाइविंग आई फॉर सजेशन ऑफ एनी वन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट लिसनिंग प्लीज़ एक ऐसा हाईवे बनाओ जो कांदेली से सीधा गोरेगा हो जाए आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट मलाड नाव इट्स दैट बैड नाउ सो मैं आज को दिस बचपन में कैसे थे हाउ यू वॉज अ किड एज अ किड आई वॉज वेरी लाइक आई दैट ट्रेड हैज स्टिल कम टू मी अब तक लाइक इट स्टिल इट स्टिल देयर विथ मी इट्स सो मेरे बिल्डिंग में ना जहाँ पे मैं रहता था तो आई वॉज द ओनली गाय लाइक कैसे बताऊँ मेल गाय इन किड्स एंड बाकी वी हैड लाइक इलेवन गर्ल्स लाइक आई वॉज द ओनली बॉय सो so, वो वो लोग का अलग गेम होता था आई वॉज लाइक कि मुझे भी खिलाओ एंड ऑल दिस थिंग्स तो देन दे स्टार्टेड डूइंग दैट कि मेरे लिए ये लेके आएगा ना वो दुकान से तो मैं देखो खिलाऊंगी मैं तो ये लेके सो फॉर मी आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस देम अलॉट सो दैट दे कॉल मी यू नो तो आ समटाइम यू रियलाइज के so, so you know, तुम्हारे बिना एक व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है तो तू यू फील लेफ्ट आउट अरे यू मेरे को नहीं बोल रहा वो, था। वो था। फोमो वाला ना तो वो जो फोमो वाला लाइफ है mm -hmm. ना मेरा वो अब तक है एंड दैट हैज़ स्टेड विथ मी अब तक एंड फॉर दैट आई आई वॉन्ट वो इतना बुरा बन चुका है कि मुझे अब हर लोगों के गुड बुक्स में आने गए बिकॉज वो अब तक तो वो चाइल्ड हुड ट्रामा जो था ना मेरे खास मेरे को खिलाएगी नहीं तो मेरे को बोलेंगे नहीं तो लाइक इफ आई मोम इज कॉलिंग मी एंड येलिंग एट मी के ग्रो यू हैव टू स्टडी नाव बट फॉर मी मॉम वॉज नॉट अ प्रायोरिटी बिकॉज मेरे फ्रेंड्स मुझे कल शायद ना बोला खिलने के लिए दो तो आई वॉज वेरी लाइक कि मुझे खिलाओ मेरे को करो और वो अब तक चल रहा है बट दफकोर्स वेरी मिस्चिवियस वेरी नॉटी बट आई ऑलवेज न्यू माई बाउंड्रीज और कि मुझे पता था कि ये नहीं करना है आई शुड नॉट बी हर्टिंग समवन एल्स बिकॉज ऑफ माई मस्ती बट वो मस्ती वी आर ऑल्सो टीचर्स फेवरेट किड्स के ये लोग मस्ती करते थे पर अपने बच्चे बट टेरिबल एट स्टडीज प्लस माई मॉम वॉज अ टीचर राइ शीज अ टीचर अब था कैन सो इट वॉज अ टास्क फॉर मी टू कन्विंस सर कि प्लीज नेक्स्ट टाइम पाँच छा मार्क्स लाऊंगा इन ऑल दिस थिंग्स बट या दिस बट वो जो सबके गुड बुक्स में आना रहता ना वो मेरे को अभी भी है एंड फॉर दैट आई थिंक आई समाइम्स टेक माई क्लोज वंस फॉर ग्रांटेड कह लेंगे चल ये लोग तो है पर मुझे इधर पहुँचने का है ये लोग बुला रहे ना तो इधर जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो इससे मेरे को शायद काम आ सकता है अभी और काम मैं पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ फैमिली के लिए कर good. रहा सो समाइम्स आई हैव अ बैंटर विथ माई फैमिली के अरे प्लीज मेरे को करना पड़ेगा मॉम मौ, इज लाइक कर रहा है वो लोग बोल रहे तो कर रहा हैं हम लोग बोल रहे तो नहीं करता है सो सर वो मेरे बचपन के ट्रोमा से है विच आई थिंक नो वन रियलाइजेस बट हाँ इट मैटर्स अट्ड इंटरेस्टिंग थिंक वी आर डूइंग इट फॉर पीपल हुर अबाउट डूइंग इट फॉर यू बट यूर एक्चुअली डूइंग फॉर योर सेल्फ इन रियालिटी सम वेर यूर ऑलमोज गिविंग योर सेल्फ एविडेंस दे रहे हो ना कि नहीं एक्चुअली इट्स फॉर दे बट रियालिटी यू वॉन्ट टू बी इन गुड बुक लाइक ये लोग का तो

एंड हाउ डिड आई मैनेज टू यू नो मैंने ना लोगों को बोला कि मेरे जब भी मैं वीडियो में आऊँ ठीक है तो मेरे मेरे लिए कमेंट करो मेरे फ्रेंड लोग को बोला था बिकॉज आई वाज ऑलवेज गाई थ्री फ्रेंड फोर ऐसे सब को, मेरे को देते थे सब लोग ए ना कि यार मेरे को तो फेमस बनने का यार मेरे को ये सब क्या है ये सब गाई थ्री गाई फोर शोल्डर देखकर चला जा रहा हो खाली में सर लाइक कुछ तो करना पड़ेगा सो वेन एवर आई यूज टू कम ऑन द स्क्रीन आई टोल्ड माई फ्रेंड्स माई जो मेरे बचपन के सब

आई ऑलवेज वंडर कि यू कैन डू सो मेनी थिंग्स बट यू जस्ट नॉट डूइंग बिकॉज यूर यू थिंक भी हो गया मेरा इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा बट मेरे को तो अभी भी लाइक पीपल से है यू रीच होच या फिर मेरे को लगा ही नहीं अंदर से कि हेव रीच दिस प्लेस मेरे को लगता है कि कितना कुछ करना बाकी है कितना कुछ करना बाकी है कि पब्लिक वाई पीपल आर जस्ट हैप्पी विद वॉट दे आर डूइंग राइट नाउ इज तो मुझे वो तोड़ना है और मुझे मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं वही मेरा फिल्टर कपे कैसे हुआ हाउ डिट दैट हैपन इट्स अ वेरी क्रीपी स्टोरी नॉट अ बट इट वॉज क्रीपी फॉर देम बिकॉज आई आई वॉज लुकिंग फॉर वर्क एंड आई ड्रॉप ऑफ आई ड्रॉप आउट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मैकेरिंग छः साल लगा पर खत्म किया खत्म किया ना मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा मैं थ्री डेज देख लिया था मैला बनूगा तो बुरा इंजीनियर एंड ऑल दिस थिंग्स आई स्पोक टू माई मोमो साइड अबा नहीं मानेंगे सब सेम जोक्स एंड एज़ लाइक नहीं यार आई आई वॉन्ट टू डू इट यार मुझे लगता है कि ये करूंगा तो ऑफकोर्स मैं बहुत गंदा बन वाला हूँ और मैं फेल हो रहा हूँ मैं आई एम नॉट इवन किडिंग इज टफ एंड अ मंथ अगो आई हैड दिस टेरिबल ड्रीम दैट मेरा एग्जाम है और मेरे को नहीं आता मैं फेल हो गया अब मैं वापस कैसे दूंगा एट थर्टी मेरे को ये बड़ा ड्रीम आया था लाइक मैं उठा ना मतलब थैंक गॉड आई है बॉस दिस का मैं गाली सुन रहा हूँ दिस इज मच बेटर देन एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग बट देन सो मम्मी ने बोला ठीक है यू टेक अ ईयर एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू बट इफ यू फेल टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू टू कम बैक एंड डू योर इंजीनियरिंग सो इट्स लाइक ओके सो मैं शादी की संगीत होस्टिंग कर रहा हूँ हैव डन लाइक टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड होस्टिंग ऑफ संगीत दैन ऑल जूहू में कोई अमीर बाप का बेटा है उसका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने होस्टिंग कर रहा हूँ तब खाना खा रहा हूँ उसके बाद खाना खा रहा हूँ शोरूम में एक एक शोरूम में कांदली में वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाया कॉल सेंटर में काम किया सब कुछ किया मैंने पर मुझे लगा पैसा नहीं आ रहा इससे तो करते 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 कुछ ना कुछ करने करते ना फिर मैंने ना नवरात्रि के पासिस बेचना ब्लैक में चालू किया सब कुछ किया मैंने मैंने मतलब किसी फॉर एग्जाम्पल फॉर यू हैव स्मॉल गेट टुगेदर इन योर हाउस यू नीड स्पीकर एंड डी डीजे जे अराउंड लाइक फोर थाउजेंड रुपीज़ एल टेल यू ट्वेल्व थाउजेंड रुपीस, रुपीस आठ हज़ार मेरा वो सब जुगाड़ करते करते मैंने चालू किया यह सब करना बट मीन वाई माई फ्रेंड टोन मी जस्ट डाउनलोड स्नैपचैट करके एक ऐप है डाउनलोड कर बहुत मज़ा आएगा टाइम पास करेंगे अपन मतलब ठीक है उसमें वीडियोज़ बनाना चालू किया मैंने थोड़ा बहुत टाइम पास करके सब वर्ड ऑफ माउथ होने लगा कि इसको फॉलो करो विराज को फॉलो करो देन बस्फीड का आर्टिकल आया सिंग ट्वेंटी पीपल यू शुड फॉलो इंडिया मेरा नाम था उसमें लाइक वाह ये तो बहुत सी बात है सो so, मुझे लगा मैं बहुत सही उखाड़ रहा हूँ लाइफ में ऐसा <laughs> मेरे को लगा <laughs> तो ये आर्टिकल मैंने फिल्टर कॉपी टी वी एफ ए आई भी बहुत सारे लोग को मैंने भेजना चालू किया टी वी एफ डिन रिप्लाई ए आ भी रिप्लाई ए भी वॉज वेरी रूड ऑल्सो क्योंकि मैंने एक बार रिप्लाई का वो लोग का ई मेल आया थैंक यू तो मैंने बोला अरे भाई कोई तो रिप्लाई बोला तन पर रिप्लाई तो कर रहा है मैं रिप्लाई मैसेज कर रहा हूँ ऑफिस के तन में हाई बिग फैन ऐसा करके बट और पचास ई मेल भेज ऐसे वहाँ ऐसे ई मेल आया मेरे को और भेजना भाई और भेजते रहे तू ऐसा मैं लगा बाप रे देन फिल्ट कॉपी रेड इट एन आर ए कोई तो आदमी है जो वहाँ पर रीड कर रहा है तो विदउट शेम मैं वो लोग को एवरी डे मैसेज करते रहा हे बहन प्लीज रिप्लाई रिप्लाई लाइक अ क्रीप एवरी डे स्लाइडिंग इट द डीएम्स प्लीज टेक मी प्लीज टेक मी बिग फैन आफ्टर पॉइंट देवर सो फैट अप दे लाइक प्लीज कम टेक दिस इंटरव्यू एंड डोंट ईट आर ब्रेन अच्छा You necessarily that's that's where you wanted to work. Yes. You so said, Aditi, okay. Aditi, the founder, she said the same thing that your perseverance gave you the job, not your talent. I said okay, whatever you tell me. And usme I took my friend along mm. in the interview. And so Pandita, mm. wo, he was taking my interview, and Pandita was like, Virat, tu ek, tu hai. Tera friend kya karta hai? And I like, I isko kyu mereko nahi isko job <laughs> And so uh, he Pandita gave his card also like visiting card also to him. He didn't give it to me. But later on, when the interview happened, they liked it and all, so they gave me the job. I first salary was sixteen thousand eight hundred rupees, and I was very happy. I was like, chalo, paisa aare hai mm -hmm. And then I realized that engineering password, karke pehla job mujhe jo At least 16,000 to better hai. So, from there, I learned a lot of things from filter copy. Yeah. yeah. And then at some point, and I remember talking to you. I I, I feel I've met you at different stages, right? Yeah. I, I think yeah. I met you around the time you were making the decision to almost create content independently. Yeah. yeah. Um, and then from then i've also seen you evolve through multiple stages i think there was a the point of time when you knew what you were getting yeah. when you went to let's say your instagram yeah and then one time you, you, i almost saw you say one second i, I need to evolve this to sing and you suddenly went broader you mm. i feel there was a time when your content became i wouldn't call it massier but it just felt like the reach suddenly became broader because the, you were tapping into let's say a regional insight on let's say

Is <laughs> top notch. <laughs> <laughs> but it's just, but yeah, like the only good thing is at this age, actually, like she's 84. And at this age, she has a meaning to live her life. Like she, she keeps on telling me, next video, kya do And all this. And i like, okay. So she's a fan of Anupama, the series, okay? Rupali Ganguly and whatever she's doing. In her I series. didn't know about Anupama till I saw your content Imagine. and I went searching for Anupama. Anupama, if you're watching this, please <laughs> give money to me. <laughs> So, uh, she's a big fan and uh, now she's a diva, It's nani diva So, uh, the team Anubhama called us and said that we loved your content. And this and, and like come to the film city and make a video with us. So, I was very excited, I said nani, this is the great point of our life. Like your series which we make videos or they like it, to the Nani said I won't go. I said why?

feel... it's like all these years you work towards that. Yeah. Yeah. That's what you wanted to do. That, so my Instagram is my audition tape. That's what I've also always told people. Because when I when my mom gave me this year, I went to all production houses. I went to everyone. And uh, they all said not fit. And not fit means I don't know if you're aware, but not fit is when, you're, when you don't fit the part, they say not fit. And everyone just said not fit, yeah, all these things. And I was like why do I want someone else to tell me if I'm not fit or not? When I can observe things and I can write it my own. So that's the beauty of a writer anywhere. Not me as a writer, but any writer. When a writer goes through a bad time or a hard time, if they write it down, it's a script. You can sell your hard times. Can you imagine how beautiful it is? So I was like, okay, fine. Then I started making my own videos. Now I became my own director. आई एम मेकिंग मई ओन वीडियो आम द ओन प्रोड्यूसर आई एम द ओनली एक्टर आई आम एट डरेक्टर एज विच इज माई आई लाइक मेरे लिए तो मैं बेस्ट है सो एड मेकिंग माई ओन थिंग्स एंड देन सडनली वैन दिस थिंग कोलकाता एंड मुकेश साबरा द कास्टिंग डायरेक्टर ही वॉज ऑन द सेम पैनल एंड ही टोल्ड मी दैट कि बच्चा मेरे को देखता है बहुत अच्छा वीडियो बनाता है वो एस द बिगेस्ट कास्टिंग एजेंट इन इंडिया इज वॉचिंग माई वीडियोज नाव वॉट डू आई नीड मोर एंड सडनली नेक्स्ट इन अ मंथ एंड ऑल ही मैसेजेस में से एक रोल आ रहे वाला है ऑडिशन के लिए रेडी रहना शायद मूवी आएगा तो फॉर अ वंथ एंड हाफ आफ्टर द ऑडिशन एंड स्क्रिप्ट एंड ऑल केम आई डेंट गिव द इंटरव्यू लाइक आई आई थिंक आई फेल बिकॉज आई गिवन लाइक थ्री थाउजेंड इंट ऑडिशंस टिल इन दिस पॉइंट सो इज लाइक नहीं मिलेगा तो बोला नहीं नहीं तू देख दे मैं बोल रहा हूँ मिल जाएगा सडनली आई गैट अ कॉल फ्रॉम धर्मा सिंह यू आर सिलेक्टेड शशांक वॉन्ट्स टू सी यू शशांक कैथन वॉट मैं बोला अच्छा बट देन आई वॉज ऑल्सो अपसेट मूवी हो गया आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि ये रियल एक्सपीरियंस है एंड सडनली वैन द मूवी का ट्रेलर लॉन्च होना आई वॉज वेरी अपसेट बिकॉज मुझे बुलाया नहीं मुझे लगे यार क्यों नहीं बुलाया बिकॉज की ओली थ्री बिग एक्टर्स विल बी देर आई सेट तुमको अगर तुम्हारा मास तक पहुँचाना है आई नो पीपल मास है वहाँ पर बट जो मेरे पास ऑडियंस है वो मेरा ऑडियंस बहुत पोजेसिव है मेरे लिए तो वो क्यों नहीं तुम लोग उसको कैशन कर रहे हो पर आई वाज वेरी अपर नेक्स्ट दिन ट्रेलर आया ना मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे डाला कि जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड टाइप यर फॉर विराज ओनली यू वॉन्ट बिलीव लो टू थाउजेंड कॉमेंट्स ओनली यर फॉर विराज एंड इफ यू गो राइट ना ऑल्सो इज जस्ट फाइंड विराज सो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि देन आई रियलाइज कि मूवी तो आता रहेगा बट दिस वाट आईव बिल्ड नो इज़ वेरी प्रेशियस फॉर मी और वेरी प्योर एंड पीपल लव मी नॉट बिकॉज मैं अभी बॉलीवुड एक्टर पर जो भी मैं कर रहा हूँ वो लोग का अच्छा लग रहा है तो मैंने रियलाइज किया कि मूवी वॉज ऑफकोर्स द फर्स्ट प्रायोरिटी बट नाउ द कॉन्टेंट इज फर्स्ट प्रायरिटी फॉर मी इफ इन दिस प्लेस इफ मूवी कम्स आई विल डू इट आई वोट हंट फॉर इट मुझे करना है मुझे ऐसा नहीं करूंगा यू डाइल्ड हुआ बिकॉज सी वैन आई वेंट टू स्कूल कभी मुझे नीचे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बुलाएंगे नहीं तो करेंगे नहीं बिकॉज मेरा स्कूल में मेरे, मेरे फ्रेंड्स ऑफकोर्स नया लाइफ नए चीजें बनने ही वाले थे फ्रेंड्स पर बिल्डिंग में मेरे फ्रेंड्स पहले से थे मतलब यू you नो know, ऐसा नहीं था कि मतलब दे आर लिविंग दर लाइफ मैं तो नया बिल्डिंग में आया हूँ तो वो मुझे पता था कि तो मुझे कोई मुझे ऐसा अगर इफ़ आई गेट दैट वाइफ के इसके शायद लग रहा है पहले था ऐसा है कि इसको शायद लग रहा है ऐसा कि विराज थोड़ा ऐसा है कि इससे बात नहीं करना है यू नो ऐसा देन माय होल फोकस वॉज कि इसको इम्प्रेस करने का इसको माइंड में लगना चाहिए मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ डू ऑल्सो फील एंड ये मैंने नोटिस कियाटेंट वॉज इनिशली योर लोकेलिटी एट होम नाउ यूर ट्रेवलिंग द वर्ल्ड आई ऑलिज लुक फॉर टू यू बिंग आउटसाइड इंडिया आई ऑलिज फू बी सुपर इंटरेस्टिंग You, what are the insights that you're going to bring out about yeah, man. How, how how a vegetarian hmm. Indian is traveling guy. the UK or Europe? Hmm. And some of the points are very valid. Most of the points are very valid, I would put it. But do you feel it's changed you traveling a lot more? Now? A lot. All, like, it just. I've become more calmer. I've become more uh, logical in my. टॉक्स के मतलब हाँ शायद ये होगा आई बिकम एम्पथेटिकल्सो बिकॉज वेन यू गो अवे फ्रॉम योर प्लेस यू आर ऑन योर ओन सेल्फ ट्राइंग टू एडजस्ट इन डिफरेंट लाइफ सो यू आर ट्राइंग टू बी समन यू आर नॉट बिकॉज तुम एडजस्ट कर रहे हो तुम तुम्हारे कम्फर्ट में नहीं हो तो जब तुम वापस आते हो तुम तुम्हारे लोगों को मिलते हो देन यू रिलाइज के शायद इसके लाइफ में ये चलता होगा तो फिर जाने दो ना ये सब होता होगा ऐसे ही होता है बट एंड इन टर्म्स ऑफ यू नो यू 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 कम आउट एज अ वेल लर्नड वेल ट्रेवल्ड तुम तुम्हारे पास कॉन्वर्सेशन करने के लिए जगह है तुम्हे, तुम्हें तुम्हें चीज़ें मालूम पड़ती थी तुम्हें मालूम पड़ता कि यार आई नेवर अप्रिशिएटेड द इंडियन कल्चर इतना बिकॉज ऐसा नहीं कि अप्रिशिएट नहीं किया बट इट इन क्रॉस माई माइंड की इतना कुछ होता है टिल दैट एम माई वेंट टू लंडन आज लाइक यहाँ पे कल्चर ही नहीं है यहाँ पे सब कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे मतलब ना उनको खाना कुछ है लाइक दे डोन्ट है ओन फूड

नॉट इवन दैट प्लेस बट एनी थिंग इन्वेस्ट वहाँ पे इतना कुछ है नहीं देना like, कितना अच्छा है इंडिया यार, सब चीज़ों के लिए एंड देना मैन ए केम पीपल हॉस्पिटैलिटी नो हॉस्पिटैलिटी लोग कितने वो लोग को फर्क नहीं पड़ा कि तुम वहाँ पे बैठे हो क्या बोलो हो एक स्पून दे दो अपन क्या है कि सब कुछ पड़ा है खाना बीना मस्त चल रहा है पानी का ग्लास खत्म होकर दो तो फाटक से पानी दे दिया यू इफ यू वॉन्ट टू एक्सटेंड यूर चेकआउट टाइम यू कैन डू इट वहाँ पे तो सब कुछ स्ट्रिक्ट एकदम तो तब जाके ना मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी uh, बेसिस पे लोग तो हाँ चल ठीक है इसको बेचारे को प्रॉब्लम वो सब यहाँ पर है इंडिया में बाहर कहीं नहीं है एंड इट्स अ ग्रेट कॉन्वर्सन टू स्टार्ट ऑल्सो वैन यू मीट समू न्यू अगर तुम बोलते हो कि तुम किधर गए हो ऐसा सब होता है तो दे फील कि हाँ इससे बात कर सकते हैं क्योंकि इसको पता है चीज़ें के बारे में बट आई नो अ फन फैक्ट यू नो लंडन हैज़ मोर इंडियन रेस्टोरेंट्स देन मुंबई वट कैन यू इमेजिन Considering how many Indians are in yeah but वो भी वो Birmingham वगैरह वो तो because and this is also a problem that we we are not appreciating our culture and also because in Bollywood also now if you see South Indian films they value their culture like if you see RRR culture है कांतारा culture है like Bahubali culture है these are all big films but Bollywood क्या कर रहा है वो western को ही imitated कर रहा है जो बन we are miserably failing at it and फिर वो नहीं चल रहे सो वीच इज वाई इफ यू अपना इंडियन को कितना पावर है कितना कल्चर इज इजीविटन शुड इट ना वन थिंस इट शोज यू की डिफरेंट कल्चर्स फंक्शन डिफरेंटली बट समर शुड बी द सेम्स इन जनरल एज इंडिया जपैन इवन मिडल ईस्ट टू समिंक सच वैल्यू फॉर बींग हॉस्पिटेबल इट्स पार्ट ऑफ yeah, yeah. yeah.

I want to ask you, do you have hard time to say no? Um, a lot. You feel like, like you will you I have the same problem you have. Um, is that I am a people pleaser. Ah. People need to like me. Um, hmm. In the last one year, hmm. I have slowly tried to learn that I have to learn to be a little more blunt. But you will have you reached. Point ke ha, now, you are at that point, can now you are saying no? In some cases, yes. When I just realized at one point, and I read this somewhere, and that's actually one of the things that really helped me is that when you are saying yes to something, you're automatically saying no to something else. Saying, hmm. for instance, saying, okay, someone called you for an event, hmm. it's one hour away. Hmm. Now, if I'm saying yes to going for the event, it's okay. one hour away, I'm going there, I'm staying there for now, I'm taking one more hour to come back, that's three hours. Hmm. आई एम सींग नो टू हैंंगिंग एट होम विथ माई किड्स ट्रो सो इट्स ऑटोमेटिकली इफ यू लुक एट एनी थिंग यू सेस टू यू ऑर एनी वे सींग नो टिंग एल्स सू जिसव टू चूज विच वन यू सींग येस अट प्रायरिटाइज आई थिंक दट इज रियट बट आईवेज रियलाइज के वेन आई से नो और येस वट एवर माई फैमिली ऑलवेज सफर्स बिकॉज वी फील लाइक कि हाँ ठीक है नफ घर वाले तो होंगे ही बट दैट थिंग्स लाइक आई वॉन्ट टू चेंज लाइक आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू चेंज दैट थिंग बट एट दिस पॉइंट ऑफ माई करियर वेयर आई वॉन्ट टू हंट द लॉड आई फील लाइक कि दिस माइट स्टे आई थिंक फॉर सम टाइम लाइक फैमिली माइट कैन दैन स्टे बिकॉज अगर अभी मैंने हाथ पैर यहाँ वहाँ जगह जगह पर नहीं मारा तो फिर मैं शायद ये जो दस साल आते हैं ना लाइफ में वही जो इम्पॉर्टेंट होता है मुझे लगता है वही टाइम क्योंकि आई एम द ओनली ऑनर ऑफ द फैमिली तो आई हैव टू बी एवरी वेयर एंड डू एवरी थिंग्स एंड ऑल बट द नो थिंग इज सो मच रिलेटेबल बिकॉज आई फील लाइक मैंने एक टाइम पे आई आई एम नॉट किडिंग ऑल्सो थर्टी फर्स्ट न्यू ईयर का प्लान था मैंने एक टाइम पे छः लोग को खा हाँ बोला था मैं आऊँगा मैं आऊँगा एंड वॉट डिड आई डू यू नो मैं टेरेस पे बैठ के पिज्जा खा रहा हूँ डोमिनोज से मंगवा के बिकॉज और मुझे लगा कैसे so yeah. I, for, I, कि कैसे जाऊँगा हर जगह पर नहीं जा पाऊंगा मैं सो नाउ आई हैव डिसअपॉइंटेड ऑल सिक्स ऑफ एंड एंड देन आई 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 फॉर थॉट कि सबको टालूंगा टालूंगा बट नाव आई बिकेम अ बैड लेकिन आई बिकेम अ बैड पर्सन टू ऑल सिक्स ऑफ़ दम और सबको ऐसा लगा कि अरे क्योंकि अगर एक के पास जाता तो और पाँच को ऐसे भी गाली देने वाले थे और वहाँ पर भी मैं लेट जाता वहाँ से निकलना पड़ता जल्दी तो ऐसे भी वो गाली दे रहा था जेनर लिया कि यार एटलीस्ट एक, एक प्लान तो बिकॉज मुझे लगता कि उसको ऐसा लगा कि अरे हाँ विराध बड़ा हो गया विराध अब तो नहीं आएगा ना हम लोग के पास ये तो मुझे उसको तोड़ना है वैसा नहीं लगना चाहिए कभी भी कि विराध बड़ा हो गया है विराध ये कर रहा है अभी तो आप मूवी कर रहा है तो नहीं आएगा मैंने छह प्लान बनाए थे फिर मैं किधर भी नहीं गया तो मैं अभी भी गाली खा रहा हूँ इसमें एक और चीज़ होता है ना स्पेशली विद फैमिली इज दैट I don't think family wants all your time. And yeah. so they want you need to be there when it's really important. Hmm. And when it comes to work, also there's some things. And that I it's taken me a long time to realize. Because some things seem very cool to do. Hmm. It'll be fun, it'll be cool to do. But actually, you're not getting any value from it. Yeah. And it takes it takes time.

इफ यू आर गोइंग टू आर स्ट्रेस आई टेल यू डोंट स्ट्रेस वन आई एम गोइंग थ्रो स्ट्रेस यू टेल मी डोंस बट इज इट नॉइ इट डजें वर्क दैट आई विल टेक स्ट्रेस वन हेव टू ट्रेस तो जो ज्ञान देते ना लोग मेरे को लगता है कि कुछ पॉइंट भी है ज्ञान लेके डी फील ए मोर कॉन्फिडेंट नाउट बिफोर हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट बिकॉज नाउ आईव स्टार्ट नोइंग ह्यूमस कि ये लोग का ट्रिएटिव ऐसा है अपना ट्रिएटिव ऐसा है सब लोग पीपल प्लीजर है जैसा यू सी इन दिस रूम ओनली फोर एंड टू तो है तो बाकी लोग भी रहेंगे मुझे yeah. लग रहा है सो आई है्यूमन्स बेटर प्लस माई ब्रदर इज इंटू थोड़ा बहुत यू नो स्परिचुअलिटी एंड साइकोलॉजिकली वो सब समझाता है मुझे देना रियलाइज के लोगों के लोगों के पास टाइम नहीं है mm. वो पाँच मिनट के अंदर अपने को अपना पिच करना पड़ता है इट कैन बी एनी पिच नॉट इवन और नॉट ओनली वो पिच तो कोई पॉइंट नहीं है द मोर यू आर योर सेल्फ पीपल विल सो मच बेटर I'm uh, more I'm I'm very confident now. Mm. Because I don't know, you might be telling me a better way in a better way. No, we I did th like three interviews up to this is mm. the third one. But no, I, I asked you this also because I'm seeing that I think you're more clear now. Yeah. I remember the first time I I did a podcast with you, and this was 2019, I think. True. Huh. Uh -huh. You were still figuring out a few things, right? Yeah, you yeah, yeah, one yeah. second. You know, you were doing content by yourself, but you yeah. were also at Filter Coffee. I remember I remember filter Coffee, yes. and and you were like, okay, I'm going to jump and do this by myself. Hmm. I remember having a chat with you in between when COVID. COVID, tha, COVID tha, When uh, when we did that, when you were sitting in your car and we did a podcast. Yeah, yeah, yeah. Um And it's for me. I've seen you getting clearer and clearer about this is what I'm good at. Hmm. Yeah. And once you do more of that, hmm. and you've and

वो भी मैंने सीखा है कि बाकी लोग अगर मैं बोलता हूँ ना कि मेरे लिए तो लोग आके बोलते हैं अच्छा तेरे लिए तो क्या, हम लोग लिए भी यही होगा क्या तो yeah. so, मेरे लिए तो ये चल रहा है तुम तुम्हारा देख लो जो सुन रहे हैं मेरे लिए तो ये बेस्ट है क्योंकि okay, ये भी होता है कि डू थिंक बैक एन सी दिस इज द पॉइंट वेन देर वॉज अ शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ फॉर यू एस समन क्रिएट्स कॉन्टेंट

कोई स्पॉट बॉय नहीं है यहाँ पर कोई बड़ा एक्टर नहीं यहाँ पर सबका कॉल टाइम सेम रहेगा mm. सब लोग सेम टाइम पे आएंगे सब लोग सेम खाना जगह पे खाएंगे कोई ऐसा बड़ा स्टार नहीं है छोटा स्टार नहीं कुछ भी नहीं एंड ही ट्रीटेड अस लाइक अ ह्यूमन बीइंग ही ट्रीटेड लाइक कि अरे हाँ ये विराज है एंड द गुड पार्ट अबाउट हिम वॉज दैट सी ही ऑलवेज एड्रेस्ट मी लाइक ही इज द बेस्ट यूट्यूबर एंड बेस्ट इंस्टाग्राम एंड ऑल दिस थिंग विच आई नो आई एम नॉट बट ही लोगों के माइंड में उसने ऐसा डाल दिया कि विराज सबसे बेस्ट है mm. विकी कौशल के सब इंट्रोड्यूस करते थे, थे लोगों का विकी कौल्स गुड एक्टर एंड ऑल दिस ऐसा बोलते थे वो बट वहाँ पे मुझे लगा कि यार कितना अच्छा है यार और पूरा दिन अच्छा जाता है बिकॉज नाउ पीपल ट्रीट यू इन द सेम वे लाइक इन टर्म्स ऑफ लंडन ऑल्सो वैन आई वेंट देयर उधर से भी मैंने ना वो सीखा कि वहाँ पे अपने इंडिया में थोड़ा बहुत है कि मतलब तू काम करता ना तो तू तो मेरे से बात नहीं कर सकता mm. तू ये करता तो ऐसा तू झाड़ू वाला बात मत कर वैसे mm. ऐसा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है एवरी वन ट्रीट यू ट्रीट ह्यूमन नॉट काम के हिसाब से एंड डैट वॉज वंडरफुल वॉट शशांक डेड एंड विकी कौशल ऑल्सो बींग अ स्टार ही इज ही नेवर लेट मी फील लाइक कि वो स्टार है और मैं कुछ नहीं हूँ और मैं हम लोग गालियों से बात करते हैं हम लोग नॉर्मली बात करते हैं हम लोग लाइक कभी भी मैं अटक जाता हूँ आई कॉल इम कि विकी प्लीज हेल्प मी लाइक बो कभी भी कॉल कर इतना अच्छा है तो उसको जरूरत नहीं सब करने का उसको जरूरत नहीं मेरा अभी भी लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट टू कीप चिंग इस प्रोफाइल की मुझे फॉलो कर रहा है ना अब तक इतना मेरा था बट उसको कुछ जरूरत नहीं मेरे को करने का देन आई रियलाइज क्यों कर रहा हूं मैं ये सब mm. तो वो सब वो उसमें मैंने सीखा कंटेंट uh, मेरा उधर से सीख, अच्छा चला कॉन्फिडेंस mm. से भी थोड़ा बहुत आया बिकॉज आई वाज ट्रीटेड वेल एंड आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग लव्स व्हेन दे आर ट्रीटेड वेल ट्रीटेड मतलब ऐसी नॉर्मल बेसिक ऐसा नहीं कि बुरा भी मत करो अच्छा भी मत करो पर कुछ मत करो तो भी अच्छा लगता है mm. तो वहां पर मेरा मूवी वॉज अ बिग पार्ट इन शेपिंग अप माई थोड़ा बहुत करियर एंड ह्यूमन एंड In, was there a point when you created content? I know that every content, anyone who makes content goes through this. That when you start, you're you fully into. Like, yeah, 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 That's yeah. what I want. And then a point after when you are stuck. Because hmm. like, is what I'm doing working? Hmm. Every day. Am I doing the same thing? Yeah. Am I stagnating? Hmm. And then at some point, you make a few decisions, which again push you back on that. Yeah. Every day. So, this... Like, it, it happens... I think... I am sure you might be also going through the same thing. Every day. This is what I have realized. Everyone goes through the same it's thing. It's cases apply at, You might be what? 40, 38, uh, 41. We're going you to be 41 like next 40 month. 45 month, 45 yeah, 41 month yeah. yeah, 41 next month. Yeah, okay. So, 41 age... I am 30 today. Hmm. So, if you are facing the same issue at 41... Imagine, I am 30. So, meko I 41 going to be the same Correct. Way so, everyone goes through same thing. I I But, you know... वॉट हैज हेल्प मी इज के फॉर एग्जाम्पल यू शारो अर ऑन पॉडकास्ट कार विच इज़ अ गुड थिंग यू नो डिड यू एवर थिंक यू डू इट यू डिड इट वंस यू जम्प इट टू दैर वंस यू टेक दैट लीप ऑफ एथ नो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक बार ले लो ना फिर देख लेंगे जो होगा मैंने एवरी तो ईयर पड़ेगा फिर। मैंने एवरी ईयर एक लिप ऑफ फेथ लिया मैंने सोचा कि एक लिप ऑफ एथ लूंगा ही लूंगा कुछ hmm. भी हो जाए लाइक द फर्स्ट लिप ऑफ एथ वॉज Uh, संगीत और नवरात्रि के पास से मेरे को पैसा आ रहा है लाइक इमेजिन गेटिंग एटीन थाउजेंड रुपीज़ फॉर इन अ डे इट्स अ बिग अमाउंट मैं बोला पर मुझे जॉब चाहिए मैंने जॉब लिया जॉब से मैंने पहला गाड़ी लिया मेरा दरअसल लिप ऑफ फेथ क्योंकि mm. सोलह हज़ार दो सौ रुपये का मेरा पगार है mm. उसमें मैं ई एम आई दे रहा हूँ बीस हज़ार रुपये का गाड़ी का आई टू का नाइट ट्वेंटी तो वो मेरा दूसरा लिप ऑफ फेथ था देन लिविंग जॉब फील्ड ऑफिस से सब सीख लिया सब कुछ हो गया मैंने फिल्टर को भी छोड़ा आफ्टर फोर ईयर्स दैट वॉज द बिगेस्ट लीप ऑफ फेथ ऑफ माई लाइफ बिकॉज अ मिडिल क्लास फैमिली जिसको सो मिडिल क्लास फैमिली नो यू फीयर हैप्पीनेस इट्स अ वेरी स्ट्रांग थिंग आई टेल यू कि खुशियाँ आती हैं तो डर लगता है कि अरे मतलब फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आई खुशी आई पर अभी गाड़ी की एम आई कौन भरेगा तो mm -hmm. टेंशन आता है तो mm -hmm. खुशियाँ से डर लगता है कि अरे बाप रे कितना खुश होना चाहिए एक बचपन से सिखाते हैं ना ज़्यादा हसमत बना रोएगा तो वो ना अंदर बहुत इन्ग्रेवड है तो मेरा मेरा लगा नहीं यार अगर मैं अभी नहीं लूँगा नहीं कोविड में जब लोग सब लोग डर रहे थे कि जॉब कहाँ से मिलेगा क्या होएगा मैंने जॉब छोड़ दिया मैंने लगा नहीं मेरे को खुद का करने जाए बिकॉज आई एक्सप्लेन टू माई मॉम कि फिक्स सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है पर इमेजिन इफ आई एम अर्निंग सिक्स लाख रुपीज़ बिकॉज जब तक मेरा फोर्टी फाइव थाउजेंड सैलरी हो गया था इफ आई एम अर्निंग सिक्स लाख रुपीज़ इन अ ईयर आई कैन मेक सिक्स लाख रुपीज़ इन अ डे आई वॉन्ट टू जस्ट ट्राई इट आउट मॉम सेड ओके गो एट टेंशन तो बहुत था वो टाइम पर क्योंकि कहाँ से आएगा पैसा बस थोली थोली वी रीच्ड

In two thousand nine, it was one year after um recession. But tha. recession started in two thousand eight. Uh, my best friend Rohit and I, we were working channel V. our set We were I was doing shows, he was doing promos, and mm. it had and we were easily set to being we were we are all also come to like senior level, like doing the biggest shows. I was producing the biggest shows for channel V, he was shooting their biggest promos. So we have jobs to start.

पीपल से मैनिफेस्टिंग बट एम लाइक में ये मेरा इसका लाइक फॉर यूट इज दट वन इयर नो लाइक वर्स्ट केस ये ऑफकोर्स बिकॉज वैन यू स्टॉप थिंक वैन यू हैव टू मंथ्स ना टिल टू मंथ्स यू टेन टू फगेट इट आफ्टर पॉइंट कि चलो ठीक है कॉन्टेंट क्रिएशन क्या होता है कि जब मैं सोचता हूँ ना कि आइडिया आइडिया कुछ आइडिया सोचता चलो साथ में सोचते तभी कोई आइडिया नहीं आता है वैन यू आर लुकिंग काम नहीं आ रहा काम नहीं काम तोड़ते काम देते काम नहीं आता है बट जस्ट इट ऑन आई बिलीव के जो भी होता है ना सच hmm. सच में ना कुछ ना कुछ तो रीजन है टूडे भी मीटिंग है कुछ hmm. ना कोई रीजन है लाइक आई वेंट टू अटिंग बीच में गाड़ी ठूक गया मेरा कुछ तो हुआ था मेरे साथ hmm. तो मैं बोला यार मीटिंग इंपॉर्टेंट था पर मीटिंग एचल हो गया कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से मैनेज हो ही जाता है बट इट्स जस्ट फॉर पीपल लाइक अस नो लाइक थोड़ा क्रिएटिव लोग थोड़ा उसमें रहता है वी हैव दिस रेस्टिंग एनजाइटी अगर इट्स लेर छुट्टी लिया ना तो अरे छुट्टी के पैसा क्योंकि आज पैसा कैसे <laughs> कमाएंगे ऊपर तो वो एक इशू है बट कॉन्टेंट में भी ऐसा ही होता है कि जब भी मैं सोचता हूँ जब भी मैं कुछ नहीं सोचता ऐसे पड़ा पढ़ाऊँ घर पे लिफ्ट में हूँ या ट्रैफिक में अटक गया हूँ वेर हैव नथिंग टू थिंक ऑन तभी इतना आइडिया आता ना मेरे को

बट इट्स बिकॉज जब मैं content बना रहा बनाना जब चालू किया था ना मैंने तो जब फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी जो मुझे डांटती है मारती है बेलन से मारा सब कुछ किया mm. तो पहले मैं बहुत डरता था कि कैसे बोलूं लोगों की मम्मी बेलन से मार रही है मेरे को क्योंकि mm. पहले अभी तो बच्चे को मारना अलाउड नहीं है yeah. अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया लोग विच इज अ गुड एंड बैड बोर्ड थिंग फॉर मी आई फील आल टेल यू आई बट पहले मुझे बहुत डर लगता था कि मम्मी डांट रही है यार सबके बीच में पर वैन आई स्पोक अबाउट इट ऑन इंटरनेट लाइक इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाया लाइक मेरे फ्रिज के बारे में पूरा दिन डीमार्ट जैसा भरा रहता है ऑल दिस थिंग्स आई रियलाइज एवरी वन हैज द सेम इशू सबकी मम्मी ने मारा है उसको सब लोग का घर पर प्रॉब्लम है कि ए सी बंद करो बिलाएगा चप्पल जैसा मत रखो बेड बना के जाओ अपना तो वैन आई शार्ट स्पीकिंग अबाउट दैट आई बिकेम अ बेटर पर्सन इन माई कॉन्टेंट तो लोगों को लग रहा, रहा है कि सबके साथ हो रहा है एंड देट्स वॉट गॉट आई गेट कॉमेंट्स ऑल्सो अरे वाह यू आई थिंक यू हैव अ कैमरा इन माई रूम बिकॉज इट है तो ये सबके साथ होता है लाइक एग्जिस्टेंशल क्राइसिस सबके साथ होता है ये प्रॉब्लम्स सब कुछ सबके साथ होता है बट नो वन टॉक्स बिकॉज पीपल डायरेक्टली सेड यू फील कि अरे ये मैं बोलूँगा तो कैसा लगेगा वीक थोड़ी लगेगा बट द मोर यू टॉक यू बिकम मोर स्ट्रांगर यू नो वैन यू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम

माई मॉम कम्स फ्रॉम द बैकग्राउंड सिंग पैसा बचाओगे ना तो पैसा आएगा यू हैव टू सेव एंड वन थिंग विच आई अग्री विथ पलक विच विच इज माई पार्टनर विच विच वेरी नाइसली शी सेड कि तू उड़ाएगा ना तो देखो मजा आएगा तो देखो और उड़ाने का मन करेगा तो और कमाने का मन करेगा तो और करे विच फॉर मी आई फील आई विल बिलीव इन दैट थियरी कि पैसा उड़ाओ तो पैसा आता है तो ये जो अलग वर्ल्ड है ना mm. इसको साथ में जब मैं लेके आता हूँ तो मुझे वो भी मैं सीखता हूँ वो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कैसे शुड आई टेल पलक अबाउट दिस शुड आई टेल माई मॉम अबाउट दिस की ये इशूज है ये वो मैं बहुत टेंशन में था प्रॉब्लम में बट देना लाइक लेट मी टॉक टू समन एटलीस्ट आई स्पोक टू अ फ्रेंड जिसका शादी हो चुका है उसने mm. बोला कि जिस अपने हाथ पे छोड़ दो अपना mm. वो लोग झगड़ा सॉल्व कर लेंगे सबको तू अगर बिजो पड़ेगा तो तू बुरा आदमी बनेगा बोला हाँ सोल्यूशन तो था मेरे पास चुप बैठने का खाली तो चुप बैठा हूँ मैं बस But it's a generational problem, you know. Mm. If you look at it, I feel that we've gone through different generations mm. of whether the generation of people who had to, who wanted to save because mm. they didn't have as much. Now we finally a generation of people who have access to experience everything. Yeah. Like if I think back on like my my parents' generation or my grandparents, where mm. Options be mm. Today you go to an airport and you see the number of people there.

and slowly the crowd became lesser and lesser and lesser. Ah, the normal ah, thing, whatever. Ah, normal. Why, why are they all doing that also? because they all would have sent one list, key sub-lekarao. Ah. the funny part now is, uh, and my sister came down the other day, and, and, and there's a bunch of stuff from here that i gave her to take back to london with her. and i'm like, i realize the world has shifted. <laughs> ah, yes, that's so true. because, oh yes, that because when i went, लंडन रिसेंटली तो आई हैड ओनली वन बैग बट आई हैड थ्री अदर बैग्स जो वहाँ पे आम चाहिए किसी को आचार चाहिए <laughs> जो यहाँ पे ही मिलता है बराबर और मे बी वहाँ पर बहुत महंगा मिलता है पाउंड mm. जोन में कौन खर्चा करेगा बट ये ट्रू डूट बट आईवर न्यू दिस के न्यूजपेपर में अरे बहुत सब डालते थे जनरे yeah, There would be saree shops. There would be a, a tailor to stitch your clothes. With I remember this is the kid that my grandfather would get his clothes stitched from this one tailor, hmm. and he's give me logic. He knows exactly sleeve has to get over. He would only wear half sleeve shirts. Hmm. He knew exactly where the sleeve had to end was my grandfather's logic. Hmm. But I'm like, even if I gave him a ready made thing, he would be like, no, no, it doesn't fit right. Yeah, the would be There was.

मुझे उसके लिए वो पूरा सीरीज देखना पड़ा तक आई कुड इंटरव्यू हिम प्रॉपरली व्हेन आई वाज टेलिंग हर के लिसन प्लीज डोंट बॉदर मी फॉर टू थ्री डेज बिकॉज आई हैव टू वॉच दिस इंटरव्यू दिस सीरीज शी लाइक व्हाई वुड समवन पे यू टू वॉच अ सीरीज यू आर डूइंग इट एनी आई नो बट आई वुड आई एक्सप्लेन लाइक फॉर अ ट्रैवल ट्रेवलो लाइक सी एज यू टोल्ड मी दैट यू लाइक वॉट आई डिड यू लाइक स्टोरीज और कॉन्टेंट ऑन ऑल अगर वो मैंने सर्टन अमाउंट ऑफ पैसा डाल के जो मैं किया वहाँ पे गया वो मैंने नहीं किया होता तो आज अपन उस पर बात नहीं करते आज मेरे को पता ही नहीं चलता करेक्ट

Um, is your mom like central to yeah. like what you've been able to do in life? Everything. Because I've uh, realized if Kukina met Jobikarna, I've lost my father last year. Mm. So and he was anyway he he was paralyzed for a for like since ten years. Mm. So or when he was when I was growing also, he was you not here, he was in Africa working for us only. The bond was

शी कु ईजिली ब्रोकन अप डिवोर्स ले लिया होता पर वो समाज का जो नाटक होता है ना वह वी वो तो एट तभी तो कुछ समझता ही नहीं था हम लोग को बट शी डिड इट फॉर बिकॉज किड्स है वो लोग को बड़ा करना है hmm. कहीं ना कहीं इट वॉज एन इन्वेस्ट बिकॉज आई थिंक किड्स आर ऑलवेज आर इन्वेस्टमेंट लाइक आपका तो मुझे आपका आया मेरा तो yeah, है है is, नहीं <laughs> ताकि तो लाइक आई रिमेंबर शी डिट वेर फुटवेय फॉर लाइक टू मंथ्स उनने को जैसा बाधा मानता रख ली थी कि यार नहीं नहीं पैसे इससे आएंगे और वो बहुत डर चुकी है mm. और वो डर मुझे निकालना है और वो निकलेगा नहीं मुझे पता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट लाइक अभी वे सो दिस इज़ वाई आई thought समटाइम्स इन ऑन द हाइट साइड टोल्ड में कि तू जो भी कमा रहा है कर रहा है इतना सब कुछ कर रहा है तेरे पापा अगर करते थे तो नहीं करता इतना सर विच इज़ अ फैक्ट अगर मेरे पापा अच्छे खासे कमा लेते कुछ mm. ना कुछ करते तो मैं नहीं करता है सारी चीजें mm. क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ चलो ठीक है पीछे तो है ना थोड़ा बहुत mm. पैसा तो पड़ा है पर तो घर पे पैसे इमेजिन इफ यू कम एज अ गेस्ट एट माय हाउस टेन इयर्स बैक डाउन द लाइन इफ यू कम एवरीथिंग विच वॉट वी हैड घर पे वॉज फॉर यू देन तो कल क्या खाएंगे हमें पता ही नहीं था बिकॉज ऐसा तो सिचुएशन था, था mm. बहुत गंदा सिचुएशन mm. था तो अगर पापा थोड़ा बहुत उस पर मैनेज कर लेते इट्स नॉट दैट इट्स नॉट हिज फॉल्टि इज नॉट अ बैड ह्यूमन बींग वो उसने सब कुछ कर लिया बट बर उसने बराबर नहीं किया सब कुछ वो मुझे लगता था कि प्रॉब्लम है mm. कहीं ना कहीं सो द बॉन्ड ग्रू बेटर एंड आई वॉट एवर आई डू इट इज फॉर हर ऑब्वियसली बिकॉज शी नेवर हैड हाउस ऑफ ऑफर होन वो हमेशा जाती की टी पार्टी जाती रहते सब कुछ जाते तो सब दूसरे के घर जाती थी वो मुझे लगता mm. कि मेरे घर पर भी आनी चाहिए सो mm. so अभी जो भी करता ना मैं सिर्फ उसके लिए करता हूँ बट उसको बोलता नहीं विच आई विच आई फेल एट बिकॉज मुझे लगता है वो नहीं आ रहा है मेरे को बोलने को नहीं जमता मेरे को कि यार तेरे लिए यार क्योंकि वो खुद से भी नहीं हो रहा है उनसे भी बढ़िया माय मॉम माय नानी माय ब्रदर ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा वो बोलते ना आई एम आउटसाइड बिकॉज आई नो के पीछे संभाल रहे हो लोग hmm. तो वो दिस इज वाई इट्स इम्पोर्टेंट आई वॉज रीडिंग दिस सोशल एंड इमोशनल वेल्दी मेड लॉट ऑफ मनीम So this is a, this is a f kind of wealth we sometimes forget is that when we have strong social connections, mm -hmm. um, when you have emotional connections, mm -hmm. if those are really strong, that is, is in itself another kind of wealth. Yeah. Ki, you, you might be like a billionaire, true, but mm -hmm. you will never feel mm -hmm. like you are wealthy because this is yeh bhot, yeh, this is inner happiness yeah Kyuki, deko, for example, if you fight with your partner. भले तुम्हारा लाइफ में तुम किधर भी हो तुम्हारे अंदर अंदर तू आर नॉट हैप्पी फॉर एग्जाम्पल इफ आई रेज माई वॉइस समटाइम्स अगेन लाइक इन फ्रंट ऑफ माई मॉम वो टाइम में मुझे लगता है मैं सही किया क्योंकि mm. कहीं ना कहीं तो मुझे बोलना पड़ा मेरे बाले टेक स्टैंड फॉर हिम बट आफ्टर लाइक टेन मिनट आई मीन माई कार गोइंग टू माई वर्क आई वी लाइक नहीं बोलना चाहता उसको क्या समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ कैसे समझेगा तो वो वो इनर हैप्पीनेस नहीं मिलता बट जब टूडे माई डे इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे को झगड़ा नहीं किया कुछ नहीं हुआ सब कुछ बराबर चल रहा है खाना भी खा के गया जिम भी चला गया मैं सब कुछ काम के किया तो mm. मैं खुश है mm. कुछ टेंशन नहीं है बट हाँ वो वो जो फैमिली का जो बॉन्डिंग वो और वो सब वो बहुत मैटर करता है ट्रू वो इमोशनल वेल्थ बट हाँ द लास्ट मेनीय ऑफ यू क्रिएटिंग मेरे को ना फनी बनने का था बस मेरे को था कि मेरे को फनी मैं फ़नी है क्योंकि मेरे को ऐसा लगा मैं मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं फ़नी है मेरे को क्या लगता था स्कूल में आई वॉज द फनी कॉलेज में आई वॉज लाइक बेस्ट ह्यूमर अवार्ड अवार्ड मिल रहा है तो मेरे को लगा मैं तो कितना फनी है ब्रो बट वैन आई वेंट टू द रियल वर्ल्ड द आउटसाइड वर्ल्ड जहाँ पे काम कर रहे लोग फिल्टर कॉपी में सब बैक बेंचर्स जो जो भी वीडियो बना रहा है हाँ। सब ऐसे ही बना रहे हैं ना करेक्ट तो सब वैसे और मैं जो जोक्स मार रहा हूँ वो लोग समझ नहीं पा रहे mm. मेरे को लगा फक मैं फनी हूँ क्या कर रहा हूँ ध्रुव mm. so, के जोक्स पर सब लोग हंस रहे ध्रुव mm. कुछ भी बोलते ना एंड आई वॉज आई ऑलवेज गेट इम्प्रेस एंड आई ऐसा लगता है कि यार मुझे ना मेरे लिए मेरे को लगता है कि जो रिस्पेक्ट जो बढ़ता है ना मेरा कि उस चीज उस बंदे फॉर right ऐसा नहीं कर रहा mm. because, आई हव मल्टीपल टाइम टैक्स के आम लिस्निंग टू द इट्स अ ग्रेट शो प्लीज डू एस मेरे को बहुत रिस्पेक्टिंग बिकॉज मैं नहीं कर पाता चीज़ जो चीज़ मैं नहीं करता ना मुझे लगता है कि ये आदमी क्या मस्त कर रहा है तो आई साइड इट ईटिंग वॉट ही इज ईटिंग आई सैट वॉचिंग वॉट ही इज वॉचिंग आई साइड इट टॉकिंग टू द पीपल आई साइड इट वॉट एवर आई एम राइट नाउ सिटिंग इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रू वॉट एम डूइंग राइट आई हैब्जर्व दिस मैन अ लॉट सो बट आई फील एवरी टाइम मिजेबली आई फील एवरी टाइम तो ही सेट डाउन एनी को इंग्लिश नहीं आता ना तो उसका मजाक उड़ा वैन यू सेल्फ डेप्रिकेट योर पीपल लाइक इट मोर बिकॉज देर आर टेन थाउजेंड पीपल हु आर एग्जैक्टली द सेम जो तुझे पता नहीं बट यू विल रिप्रेजेंट दैट पीपल फिर उसने बोला कि तुझे लगता है कि तेरा कांदिली सुधु आता देखो लगता है कि यहाँ अंधेरी ही लोग बहुत ऐसे पॉश है यू टॉक अबाउट कांदिली पीपल यू टॉक अबाउट हाउ दे आर सो मेरा कंटेंट पूरा उस पर hmm. जहाँ पे मैं आ रहता हूँ लाइक आई वॉज आई वॉज एम्बेस कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ पर नाउ आई एम प्राउड कि मैं मिडिल क्लास फैमिली हूँ बिकॉज वैन आई रीच टू सडन लेवल मुझे लगता है वाह mm. क्या सही है अब तो मेरा लाइफ सो ध्रुव जस्ट टोल मी जस्ट बी योर डोंट ट्राई टू कॉप मैं लेजिट एक बार उसने थुक्पा मंगवाया था मेरे को इतना घटिया लगा वो <laughs> मैं थुकपा खा रहा था बिकॉज ध्रुव ने मंगवाया है मैं लेजिट घर पे जाके यहाँ पे ना एक बहुत सी सरनिया करके रेस्टोरेंट है अंधेरी में ही वहाँ से मैंने मंगवाया था मुझे लगा क्या खा रहा हूँ मैं यार ये मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी बोल ऑर्डर ब्रो तू ये पता है ना क्या थुकपा कितना अच्छा होता है मैं पर मेरे को पसंद नहीं आ रहा है पर मैं खाई जा रहा हूँ तो बट हाँ ही ट्व मी देट की जस्ट बी ऑस दैट द ओनली एडवाइस एंड हितेश करके मेरा ऑफिस का फ्रेंड था इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विथ यू आई वुड गो टू अ पर्सन बी एंड टेल्ट वरुण कैसा है वरुण कैसा है वरुण कैसा है, He told me, मेरे से नहीं है खाली मजा आ रहा है कि वरुण से यू आर लाइकिंग द स्पेस वेर यू आर कि ते तेरे पे लोग जूम कर रहे हैं तेरे लग hmm. रहा है जो इफ यू यू है प्रॉब्लम तो मेरे को लग रहा है सादी चीजें मेरे दिमाग में ही है सो दिस टू एडवाइस एस लाइक अब तक

Yeah, you बहुत, <laughs> बहुत बहुत बहुत। <laughs> You start liking to bitch about that person. Yeah. You don't give, you know इसलिए क्या जाने दे यार छोड़ना भी होगा। But you just like कि देखो पता है उसने आज क्या किया कि, ऐसा तो, भी तो, भी तो भी mm -hmm. you start talking mm -hmm. about. It. If you start giving up no, mm -hmm. life बहुत अच्छा हो जाता है। मेरा उल्टा था। uh, When I would break up and thankfully uh, my friends from college is still my closest friends. तो वो लोग सब बोलते थे ना कि तू wait कर रहा है break up कब होगा?

और इट इज रियली प्रॉब्लम चल पोम्स आल्सो और यू नो दिस शायरी जो लोग बोलते हैं इवेंट जहाँ पे लोग छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज बोलते हैं mm. पोम बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं मस्त बोलते हैं कविता बोलते ऐसा कब mm. करते हैं टिल द टाइम आई दीज वर्ड्स हिट एट द राइट मोमेंट लाइक दिस लेडी स्पोक अबाउट मुंबई एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज एंड उसके लेंसेज देखा कि प्रॉब्लम्स है बट कितना मुंबई इज गिवन सो मैनी सो मच यू नो बट आई लाइक हार्ड वोड एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू मुंबई उस दिन मैंने पूरे टाइम मुंबई के गाने सुने सर yeah. मुंबई में आयो ऑल दिस थिंग्स म्यूजिक म्यूजिकोइंग ऑन एंड ऑन Um, but i want to keep the option of getting you back on this podcast to have Perfect. any having another long <laughs> conversation but thank you so much man thank you so much for coming on Are the we show we're taking a pause we're taking a pause till part 2 happens yes, 100%. for this and uh, look forward to everything that you create and do look forward to you traveling more please give money then. and all the fabulous news <laughs> that about everything that you as it keeps coming out looking forward to that and thank you for calling me